प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, मैं संजीव कुमार वर्मा सहाचार्य SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज हम MA फाइनल की कक्षा में जो दूसरा टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे, हिस्ट्री ऑफ जू ज्योग्राफी। और इसके बारे में समझने के लिए हमें काफ़ी पीछे की तरफ जाना पड़ेगा कि जब जीवाश्मों के आधार पर हमको जूलॉजिकल टाइम स्केल मिला, तो मैं बात करता हूँ कि पृथ्वी पर जंतुओं के उद्भव के प्रमाण पुरातन शैलों में उपस्थित जीवाश्मों के आधार पर ही सुलभ होते हैं। जीवाश्म एवं चट्टानों की आयु के अनुसार एक भूवैज्ञानिक समय मापक जियोलॉजिकल टाइम स्केल बनाया गया, जिसमें पृथ्वी के संपूर्ण इतिहास को महाकल्प, कल्प और युगों में बांटा गया है। जंतुओं के उद्भव एवं विकास का अध्ययन इसी आधार पर किया जाता है। पहला जो कल्प है वो है प्राग जीवी कल्प या प्रोटोजोनिक एरा। पृथ्वी पर प्राणियों के उद्भव की दृष्टि से ये सबसे प्राचीनतम कल्प है। इसका प्रारंभ लगभग 200 करोड़ वर्ष पूर्व तथा अवधि 150 करोड़ वर्ष आंकी गई है। इस कल्प के प्रारंभ में बैक्टीरिया का प्रादुर्भाव हो चुका था। वह खोल युक्त रेडियो लोरियन प्रोटोजोआ सामान्य रूप से मिलते थे। इस कल्प के अंतिम भाग में मिले रीड वीन जंतुओं तथा जेलीफिश, कोरल आदि के जीवाश्मों से ज्ञात होता है कि तब तक न केवल जीवों का प्रादुर्भाव हो चुका था अपितु जीवों में विकास की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी थी। दूसरा जो कल्प आगे बढ़कर आता है वो कहलाता है पूरा जीवी कल्प या पैलियोजोनिक एरा। इस कल्प को प्राचीन जीवन का युग भी कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 145 करोड़ वर्ष है। इस कल्प में जंतुओं ने भूमि पर पदार्पण इसी कल्प में कर लिया। पुराजीवी कल्प को 6 युगों में बांटा जाता है। कैम्ब्रियन युग में सागरीय भागों में जीवों का उद्भव अधिक हुआ। आधुनिक युग में लगभग सभी अकशेरुकी संघों के जंतुओं का विकास हो चुका था, किंतु कार्डेटा संघ के जंतुओं का उद्भव अभी नहीं हुआ था। समुद्र तल पर सरल संरचना वाले स्पंज, कोरल, इकाइडोर्नम, बैकियोपॉड तथा हाइबोबाइट वास करते थे। ऑर्डोविसियन युग में अलवणीय जल में पहली बार कशेरुकी प्राणियों का विकास हुआ। ये जबड़े रहित एवं खोल वाली मछलियां थीं। समुद्रों में घोंगा, मूंगा, स्पंज तथा सियाडी सदृश जीवों का विकास होता चला गया। सिलूरियन युग में वायु में श्वास लेने वाले प्राणियों तथा फेफड़े वाली मछलियां पैदा हुईं। बिच्छू व मकड़ी वायु में श्वास लेने वाले प्रथम प्राणी थे। मिलीपीड्स तथा पंखहीन कीटों का प्रादुर्भाव भी इसी युग में हुआ। इसके परवर्ती डेवोनियन युग को मछलियों का युग भी कहा जाता है। इस काल में विभिन्न प्रकार की मछलियों का विकास हुआ। प्रथम बार जल भूमिक या एम्फीबियन जीवों तथा विविध प्रकार के कीटों का उद्भव हुआ। कार्बोनिफेरस युग में जीव जंतुओं ने समुद्र से निकलकर भूमि पर पदार्पण किया। इस युग में एम्फीबिया की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई। इसी काल में मूल रेप्टाइल्स सिमोरिया का विकास भी हुआ। पुराजीवी कल्प के अंतिम भाग अर्थात परमियन युग में पर्वत निर्माणकारी हलचलों तथा हिमानीकरण के प्रभाव से अनेक प्राणी लुप्त हो गए। परिवर्तित पर्यावरणीय दशाओं में बचे हुए प्राणियों में विविधता उत्पन्न हुई। इस युग में छोटे कीटों का प्रादुर्भाव
होने के साथ ही आदिम रेप्टाइल्स की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई। तीसरा जो काल है वो कहलाता है मध्यजीवी कल्प। ये कल्प लगभग 23 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था, जिसकी अवधि 13 करोड़ वर्ष आंकी जाती है। इस काल में रेप्टाइल्स विकास की सीमा पर थे। जल, स्थल एवं नभ में भी इनका एक छत्र साम्राज्य था। इसी कारण मध्यजीवी कल्प को रेप्टाइल्स का युग भी कहा जाता है। इसे तीन युगों में बांटा गया है, ट्रायसिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस। ट्रायसिक युग में आदिम एम्फीबियंस विलुप्त हो चुके थे, अतः रेप्टाइल्स का प्रसार तेजी से होने लगा। अकशेरुकी प्राणियों मुख्यतः कीट पतंगों की संख्या में अपार वृद्धि होती चली गई। जल में तैरने वाले एकिथोनारस तथा उड़ने वाले टेरोसॉर रेप्टाइल्स की उत्पत्ति हुई। रेप्टाइल्स के समान अंडे देने वाले स्तनधारियों का विकास इस युग की अन्य महत्वपूर्ण घटना थी। जुरैसिक युग में जीवों में विविधता का सूत्रपात हुआ। लघु आकार वाले कीटों से लेकर वृद्ध आकार वाले डायनासोर इसमें सम्मिलित थे। दैत्यकार डायनासोर शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। इसी युग में वास्तविक छिपकली व मगरमच्छ का भी उद्भव हुआ। आदि पक्षियों आर्कियोटेरिक्स का विकास भी इसी युग की एक प्रमुख देन है। क्रिटेशियस युग में रेप्टाइल विकास चरण सीमा पर था, किंतु इसके अंत तक ये विलुप्त होने लगे। इसका कारण जलवायु परिवर्तन व उल्कापात को माना जाता है। अब केवल मगर, सर्प व लिजर्ड ही रेप्टाइल्स प्रतिनिधियों के रूप में बचे थे। इस युग में आधुनिक मछलियों व कीटों का बहुत प्रसार हुआ। विकसित अंडे देने वाले रेप्टाइल्स के समान स्तनधारियों में प्लेटिपक्स व एक्रिडिना जैसे स्तनधारियों का आविर्भाव हुआ। और लास्ट जो युग है वो कहलाता है नवजीवी कल्प या सेनोजोइक एरा। भूगर्भिक इतिहास का ये अंतिम कल्प लगभग 7 करोड़ 50 लाख वर्ष पुराना है। इसके अंतर्गत टर्शरी व क्वार्टनरी युग आते हैं। टर्शरी युग में आदिम स्तनधारियों का काफ़ी विकास हुआ। अब तक आधुनिक पक्षियों का ही उद्भव हो चुका था। एंथ्रीपाइड जंतुओं ने सर्वप्रथम इसी युग में पदार्पण किया। इससे ही विभिन्न प्रकार के वनमानुष व मनुष्य के आदि पूर्वजों का विकास हुआ। क्वार्टनरी युग के प्राणियों में मनुष्य ने सर्वोच्च स्थान ग्रहण कर लिया। कुल मिलाकर नवजीवी कल्प में जीव जंतुओं का स्वरूप बहुत कुछ आधुनिक जीवों के समान ही था, यद्यपि इसमें से कुछ विलुप्त हो गए थे। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि प्लांट ज्योग्राफी सॉरी जू ज्योग्राफी के जो विकासीय इतिहास है, इवोल्यूशनरी जो डेवलपमेंट है, वो किस प्रकार से विभिन्न महाकल्पों, कल्पों और युगों के रूप में आगे चला और इस प्रकार जीव विकसित होते चले गए। और विकास की इस प्रक्रिया में आज जो हम स्थिति देख रहे हैं वो इस प्रकार से हमें आज जो दिखाई दे रही है उसमें हमने ये देखा है कि आज जो जीव हैं वो मनुष्य की जो उसकी विकास की प्रक्रिया है उसी के अंतर्गत धीरे धीरे वो विलुप्त और लुप्त भी होते जा रहे हैं। तो इसे बचाने के लिए हमें संरक्षण पर अधिक जोर देने की कोशिश करनी चाहिए। और इस प्रकार इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो हम आगे का जो अगला टॉपिक है वो हम इसी से संबंधित करते हुए पढ़ेंगे, एनिमल्स एंड देयर एनवायरनमेंट, जंतु और उसके वातावरण के बारे में। और ये जंतु और जो उसके वातावरण के बारे में है कि किस प्रकार कुछ पर्यावरणीय तत्व जंतुओं के प्रसार और उसके विकास को प्रभावित करते हैं, जिनमें प्रमुख हैं जलवायु, जलवायु कारक, धरातली स्वरूप, उसकी मृदा सॉयल या वनस्पति, उसकी जल राशियाँ या वाटर बॉडीज, उसकी वनस्पति या वेजिटेशन और जंतुओं की एनिमल लाइफ किस प्रकार की है।
और आने वाले कुछ जगहों पर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कल की कक्षा जो हमारी है वो उसकी एनिमल्स और देयर एनवायरनमेंट के बारे में चर्चा पर आधारित होगी। धन्यवाद।